जैक्सन लामा को दोस्तों सारे गामा पा लिटिल चैंप में आपने कभी भी मुस्कुराते हुए नहीं देखा होगा। वह काफी सौम्य सौम्य सी रहती हैं, लेकिन जब परफॉर्मेंस दिखाने की बारी आती है तो वह पूरे स्टेज पर मानो आग सी लगा देती है। इस बात से तो आप जरूर इत्तेफाक रखते होंगे। कमेंट सेक्शन में वैसे आप हमें जरूर बताइएगा कि उनकी सिंगिंग आपको कैसी लगती है। यह पूरा मामला आखिर है क्या दोस्तों, आपको बता दो, सारेगामा लिटिल चैंप में जहां एक तरफ हमारे सभी बच्चे एक से बढ़कर एक लाजवाब परफॉर्मेंस दिखाने वाले हैं, जो यह वीकेंड होने वाला है वह सुरों का दरबार लगने वाला है, जिसमें कि परफॉर्मेंस तो आपको देखने को मिलेंगे ही, साथ ही साथ एक अजीबोगरीब वाक्य यहां घटने वाला है दोस्तों, जिसके बाद कि वहां का नजारा ही कुछ बदल जाता है। आपको बता दूं, अतानु मिश्रा जो कि क्वांटाई वेस्ट बंगाल से आए हुए कंटेस्टेंट है दोस्तों, और साथ ही साथ वो मन्ना डे को काफी ज्यादा फॉलो करते हैं, तो उन्हें उनके अपने पापा से काफी शिकायत रहती है। तो परफॉर्मेंस तो वैसे अभी तक उनका आया नहीं है दोस्तों, लेकिन जिस तरीके का प्रोमो सामने आया है उसमें यह नजर आ रहा है कि उनके पापा को भारती सिंह एक बहुत बड़े ताबूत के अंदर में डाल देती हैं। वह ताबूत कुदरत का करिश्मा बोलकर एक ताबूत रहता है दोस्तों, जिसमें कि उन्हें डाल दिया जाता है। यह देख के हर कोई घबरा जाता है और उसके अंदर में बहुत सारी गर्म गर्म हवाएं निकलती हुई दिखाई पड़ती हैं, जिसे देखकर हर कोई डर जाता है, खौफ में चले आता है, चाहे वह हमारे जजेस हों, ज्यूरी मेंबर हों या हमारे कंटेस्टेंट हों, सभी के सभी घबरा जाते हैं। सबों के चेहरे पर एक अजीब सी डर पैदा हो जाती है और उस ताबूत को बंद कर दिया जाता है, और जब उसे बाद में खोला जाता है तो खोलकर देखने के बाद में वहां का नजारा ही बदल जाता है। उनके पापा जिन्हें की डाला गया था, वह जब बाहर खोला जाता है दोस्तों, तो उसमें बहुत सारी धुआं निकलती है। धुआं समाप्त होने के बाद में उनके पापा एक मुर्गे में तब्दील हो जाते हैं। यह देखने के बाद में वहां का नजारा ही बदल जाता है। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर मानो हंसी लौट आती है। इसी बीच में जैक्सन लामा भी बहुत जोर जोर से ठहाके लगा के हंसने लग जाती हैं, और साथ ही साथ हमारे सभी जजेस, ज्यूरी मेंबर और यहां तक कि अतानु मिश्रा भी खुद हंस पड़ते हैं जब उनके पापा बदल जाते हैं और साथ ही साथ वहां एक मुर्गा आ जाता है। तो यह नजारा जो है दोस्तों देखने में बड़ा ही जबरदस्त होने वाला है। वह तो हमें एपिसोड के दौरान में बाकी सारा कुछ देखने को मिलेगा कि यह पूरा मामला आखिर है क्या, लेकिन जो भी हो आपको यह सारा नजारा देखने में बहुत ही इंटरेस्ट आने वाली है दोस्तों। तो कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइएगा कि सारेगामा पा लिटिल चैंप के इस वीकेंड के लिए आप कितना एक्साइटेड हैं और आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है, जिनके परफॉर्मेंस का है आपको बेसब्री से इंतजार। हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और सारेगामा पा लिटिल चैंप के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रभात जागरण।